गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट। चैप्टर हमारा चल रहा है प्लेटो, और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य। वेपर के इस कथन से हम अपनी बात शुरू करते हैं। उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के रूप में ऐसे श्रेष्ठ राज्य का चित्रण किया है जो समस्त प्रकार के विकारों और विकृतियों से मुक्त हो। प्लेटो का आदर्श राज्य अच्छाई का मूर्त रूप है। प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा का मूल आधार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की कष्टप्रद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियां थी। प्लेटो के समय में यूनान के नगर राज्यों में बौद्धिक अराजकता थी। शासक वर्ग स्वार्थ में लिप्त था और नागरिक परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित थे और संघर्षरत थे। प्लेटो ने आदर्श राज्य के रूप में ऐसे श्रेष्ठ राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है जो इन दोषों से रहित हो और व्यक्ति व समाज दोनों के हितों की पूर्ति में सहायक हो, उनकी समृद्धि में समर्थ हो। प्लेटो का आदर्श राज्य जो है इस प्रकार का है कि वह एक पूर्ण आदर्श है। वह आदर्श को आदर्श के लिए प्रस्तुत करता है जिसकी व्यवहारिकता को लेकर प्लेटो ने किंचित भी विचार नहीं किया। स्वयं प्लेटो के अनुसार नगर राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह कहीं भी मौजूद नहीं है। विचारक नेटलशिप के शब्दों में, रिपब्लिक में वह अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। परंतु प्लेटो के इस आदर्श राज्य का जो ये चित्रण प्लेटो ने प्रस्तुत किया है, इसमें ऐसे मानवीय मूल्य है जिनके कारण यह सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक महत्व का हो गया है। अब हम देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्व प्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। दार्शनिक शासक सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। सेकंड पॉइंट है नागरिकों के तीन वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। शासक वर्ग यानी दार्शनिक राजा का वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राज्य के शासन संबंधी कार्यों को करता है। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा संबंधी कार्य करता है। उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों, पशुपालन आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर वह राज्य के आर्थिक कार्य करता है, उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संबंधी विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का मत है कि प्रत्येक नागरिक में विभिन्न कार्यों को करने की पूर्ण योग्यता या दक्षता नहीं पाई जाती है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को संपादित करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है।
प्लेटो का ऐसा मानना है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक केवल उस कार्य को करे जिसके लिए वह सर्वाधिक योग्य है। आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का वर्ग उसकी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार तय किया जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही उचित है कि वह केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्य ही करे। इस प्रकार आदर्श राज्य में नागरिकों एवं उनके वर्गों के बीच श्रम विभाजन तथा अहस्तक्षेप का कार्य सिद्धांत पाया जाता है। यह निश्चित है कि जब कोई नागरिक केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्यों को ही निरंतर करता रहेगा तो उसे उस कार्य में विशेष योग्यता, दक्षता, कुशलता, विशेषज्ञता प्राप्त होगी। यही प्लेटो के आदर्श राज्य में पाया जाने वाला कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। विचारक सेबाइन ने इन सिद्धांतों को प्लेटो की मौलिक खोज कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का मानना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूर्ण ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। अगला पॉइंट है प्लेटो के आदर्श राज्य में साम्यवाद की व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की न तो कोई संपत्ति होती है और न ही परिवार। प्लेटो का मत है कि यह साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक, कुशलतापूर्वक संपादन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का मत था कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के पतन का जो प्रमुख कारण था वो अज्ञान था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को एक सकारात्मक साधन के रूप में स्वीकारा है और शिक्षा को राज्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित माना है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। शिक्षा ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक की मूल प्रवृत्ति को समझा जाता है और उसके अनुसार ही उसे आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा ही प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है और उसे सद्गुणी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री पुरुषों को समान अधिकार। प्लेटो के समय में यूनान में स्त्रियों का जीवन घर की चार दीवारी तक सीमित था। प्लेटो ने माना कि स्त्रियों में पुरुषों के समान ही योग्यता, प्रतिभा, कार्यक्षमता होती है, इसलिए उन्हें भी पुरुषों के समान सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए प्लेटो आदर्श राज्य में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार देता है और उन्हें योग्यता अनुसार सैनिक वर्ग अथवा दार्शनिक वर्ग में भी स्थान देता है। लास्ट पॉइंट है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी राज्य है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर लिखते हैं, जो हमने इस प्रारंभ में ही यह वेपर का कथन पढ़ा था।
ये बिल्कुल सही है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। अब हम देखते हैं आदर्श राज्य की योजना के क्या दोष हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य को काल्पनिक या स्वप्नलोकीय राज्य कहा जाता है, जिसकी स्थापना इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। उसकी आलोचना में क्या कहा गया है? फर्स्ट पॉइंट है अव्यवहारिक एवं काल्पनिक। प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक धारणा मात्र है। ऐसा आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। आलोचकों का मानना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा उसके प्रत्ययवादी दर्शन एवं नीति की दृष्टि से भले ही प्रशंसनीय हो सकती है, परंतु सांसारिक यथार्थ की दृष्टि से वह पूर्णतया अव्यवहारिक है। और यह एक ऐसी आलोचना है जिससे स्वयं प्लेटो सहमत प्रतीत होता है। विचारक मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी कहा है। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत राज्य को स्वयं में एक व्यक्ति मानता है, अर्थात यह व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता की स्थापना करता है, जो पूर्णतः अवास्तविक व अनुचित है। वास्तविकता यह है कि मानव शरीर एक जीव वैज्ञानिक व भौतिक संरचना है, जबकि राज्य एक मानसिक संरचना है। वास्तव में मानव आत्मा के तीन तत्वों एवं राज्य के तीन वर्गों के मध्य पूर्ण समानता भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। प्लेटो ने राज्य को एक वृहत् व्यक्ति या सव्यवी बताकर एक ऐसे राज्य की स्थापना की है जो स्वयं में साध्य है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु है। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्टीकरण का सिद्धांत उचित नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य के संगठन का एक प्रमुख आधार विशिष्टीकरण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक कार्य का सिद्धांत स्वीकारा गया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही प्लेटो अपने आदर्श राज्य में तीन वर्गों का निर्माण करता है। पर इस सिद्धांत में कई दोष पाए जाते हैं और जो प्रमुख है वो यह है कि इस कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिलता है, अपितु उसके व्यक्तित्व का एक भाग ही विकसित हो पाता है। इस सिद्धांत के कारण राज्य तीन परस्पर विरोधी भागों में विभाजित हो जाता है और एक राज्य में तीन राज्य स्थापित होने से राज्य की एकता संकट में पड़ सकती है। और प्लेटो की यह मान्यता इसलिए भी अनुचित है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में आत्मा के किसी एक गुण के अधीन ही रहता है। अतः संपूर्ण मानव जीवन की दृष्टि से कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है, अस्वाभाविक सिद्धांत है। यद्यपि प्लेटो ने अपने कार्य विशिष्टीकरण का आधार गुण को माना है, परंतु इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह धीरे धीरे जन्म पर आधारित व्यवस्था में बदल जाए, अर्थात वर्ग का स्थान जाति ले लेगी। इस तरह से अनेक आधारों पर कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगला आलोचना का बिंदु है उत्पादक वर्ग की पूर्ण उपेक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना का ये भी एक प्रमुख आधार है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान उत्पादक वर्ग के लिए न तो कोई शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की ये जो उपेक्षा है, ये राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की भी प्लेटो ने उपेक्षा की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, कानून है, न्यायालयों का प्रबंध है, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति है, अपराधियों के दंड की व्यवस्था है, इन सब का कोई वर्णन नहीं किया है। इन तत्वों के अभाव में
एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन सही तरीके से कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और दार्शनिकों को ही निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। किसी भी व्यक्ति को चाहे शिक्षा के द्वारा कितना ही विवेकशील बनाया जाए या इस तरह से उसको प्रशिक्षित किया जाए कि वो पूर्ण वितरागी बन गया हो, परंतु अनियंत्रित शक्ति प्राप्त होने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार उसमें दोष आ जाना स्वाभाविक है। इस पर प्लेटो ने विचार नहीं किया है और इसी आधार पर बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं और आलोचनाएं दोनों के बारे में चर्चा की है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत एवं दर्शन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ अवधारणा है, परंतु व्यवहार में इस आदर्श राज्य की प्राप्ति असंभव सी है। स्वयं प्लेटो इस विचार से सहमत था और उसने स्वयं कहा कि आदर्श राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह कहीं भी मौजूद नहीं है। परंतु इसके बावजूद यह कहना सही होगा कि आदर्श राज्य की अवधारणा के जन्म के पीछे स्वयं प्लेटो का राजनीतिक अनुभव निहित है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के रूप में ऐसे श्रेष्ठ राज्य का विचार प्रस्तुत किया है जो तत्कालीन यूनानी राज्यों की जो कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थी, उनसे मुक्त है। प्लेटो ने शिक्षा एवं साम्यवाद की व्यवस्था द्वारा यही सिद्ध किया है कि राजनीतिक दोषों की समाप्ति एवं सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक साधनों की सहायता ली जानी चाहिए। प्लेटो पहला राज्यशास्त्री है जिसने मूल्य प्रधान राजनीति के महत्व को भली भांति प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। अपनी समस्त दुर्बलताओं एवं अव्यवहारिकता के बावजूद प्लेटो की आदर्श राज्य व्यवस्था में ऐसे राजनीतिक मूल्य विद्यमान है कि इसने अपने बाद के अनेकानेक राजनीतिक चिंतकों के लिए एक जीवंत प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।